शायद न्यूटन के लॉ के बारे में सुना होगा, डाल्टन के लॉ के बारे में सुना होगा, या फिर रिलेटिविटी लॉ के बारे में सुना होगा, बट ये पार्किंसंस लॉ क्या है और क्यों ऐसा एक इम्पॉर्टेंट लॉ स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्किंसंस लॉ क्या है और इसको आप कैसे आपके बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और मैं चैनल पे बुक रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो अगर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मुझे एक बार कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया गया जिस प्रोजेक्ट में सिर्फ 5 पेजेस लिखने थे। अब उसको ख़त्म करने के लिए 1 महीने का टाइम था, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा उस एक प्रोजेक्ट के लिए। बहुत ही सिंपल और प्लेन प्रोजेक्ट था, लेकिन आप क्या जानते हैं उसको करने में मुझे कितना टाइम लगा? 1 महीना। हाँ, 5 पेजेस लिखने में मुझे 1 महीने का टाइम लगा। मैं चाहता तो 1 घंटे में उसे लिख सकता था। यही है पार्किंसंस लॉ, काम एक्सपैंड करता है समय के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो काम है वो बढ़ जाएगा। ये इन द सेंस प्रयोग किया गया है कि जितना टाइम आपके पास होगा आप उतना ही टाइम लगाएंगे उस काम को करने में। एक एग्जांपल देता हूं तो और भी ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। सोचिए मैं आपको एक लेटर लिखने को कहूँ और इसके लिए मैं सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको टाइम दूं, यानी कि 12 घंटे। आपको कितना टाइम लगेगा उस लेटर को कंप्लीट करने में? प्रोबेबली 12 घंटे। अब मैं अगर आपको उसी लेटर को कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट दूं तो आपको सेम आउटपुट के साथ वही लेटर लिखने में 10 मिनट लगेंगे। यही है द पावर ऑफ पार्किंसंस लॉ। अब ये क्यों होता है? देखिए, जब हमारे पास समय ज़्यादा होता है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और चीज़ों को टालने लगते हैं। वो हमारे लिए फिर मेन फोकस नहीं बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं कि मेरे पास अभी भी समय है। एकदम एंथ मोमेंट पे आपको याद आता है कि हाँ एक लेटर तो लिखना था और अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये टेंशन आपसे काम करवाती है एकदम फुल फोर्स में और विथ फुल पोटेंशियल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 500 पेजेस की किताब आप सिर्फ 10 मिनट में लिख देंगे। ऐसा संभव नहीं है। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए और क्वालिटी टाइम चाहिए। यानी कि मैं अगर आपको कहूँ कि एक 500 पेजेस की किताब मुझे 2 साल में लिख के दीजिए, वेल रिसर्च्ड, तो आप शायद 2 साल में लिख के देंगे। बट मैं अगर कहूँ कि आप मुझे ये किताब 6 महीने में लिख के दीजिए, तो आप शायद 6 महीने में ही वही सेम आउटपुट के साथ ही लिख के देंगे, क्योंकि आपका जो प्राइमरी फोकस होगा वो उस किताब को लिखना होगा। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मुझे 10 मिनट में लिख के दीजिए तो कभी भी ये संभव नहीं है। तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए और जब भी आप उस काम को करें उस समय में तो फोकस करना पड़ेगा। विदाउट डीप फोकस कोई भी काम को आप बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, वो भी कम समय के अंदर। अब जब हमारे पास समय कम होता है तो ये जो फोकस है ये बढ़ जाता है। लेकिन समय ज़्यादा होने पर क्यों हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो हम सोचते हैं कि ठीक है मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा सा टीवी देख लिया जाए। टीवी से अब आपका व्हाट्सएप अचानक से बीप करने लगता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी चेक करते हैं। आपके पास मोबाइल आता है जो कि एक बहुत ही यूज़फुल और डेंजरस हथियार है, तो उस मोबाइल के अंदर आप चेक करते हैं व्हाट्सएप में किसने मैसेज किया है। वहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक है, उस यूट्यूब के लिंक को आप खोलते हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा सजेशन आते हैं, उन सजेशन वीडियोज़ को आप खोलते हैं और उन सजेशन वीडियोज़ में और भी ज़्यादा सजेशन आता है। फिर जब आप होम स्क्रीन पर जाते हैं तो और भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं, या फिर कोई अच्छा इंडियन यूट्यूबर ने फिर से एक नया यूट्यूब का पोस्ट डाला है उसको आपको देखना ही है। इसी तरीके से आप डेली के 6 से लेकर 7 घंटे तक मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है
और इसी कारण से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सिर्फ मोबाइल के लिए ही नहीं, बहुत सारे रीजंस है। शायद उस काम को आप साइड में रखे कुछ और काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें अभी मुझे टाइम है, मेरे पास टाइम है। इसी कारण से टाइम जो है, डेडलाइन जो है, उसको हमें ऐसा सेट करना पड़ेगा जिससे कि हम उस काम को करने के लिए उत्साहित हो। प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा वर्क को कि कौन सा काम हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रायोरिटाइजिंग के माध्यम से ही हम एफिशिएंसी ला सकते हैं। अब डेडलाइंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विदाउट डेडलाइन शायद कभी भी आप कोई काम कर नहीं पाएंगे। इसी कारण से जो भी काम आप करें, अगर उसमें डेडलाइन नहीं है तो आप खुद एक डेडलाइन सेट कीजिए, और ऐसा रीजनेबल डेडलाइन सेट कीजिए जो ज़्यादा भी नहीं हो, जो कम भी नहीं हो। आप अगर एक बुक रीडर है तो फिर एक टाइम सेट कीजिए कि मैं इस समय पढ़ने बैठूंगा, या फिर मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा, और जब भी मैं पढ़ूंगा एकदम मैं फोकस के साथ पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ और दूसरा भी कोई काम कर रहा हूँ, इसमें उतना आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। तो एक फोकस टाइम सेट कीजिए, डीप फोकस के साथ उस किताब को पढ़िए, और जो डेडलाइन है, जो टाइम है, मैं आज दो चैप्टर पढ़ूंगा, इतने समय में पढ़ूंगा, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर चैप्टर्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप आधा या फिर एक घंटा सेट कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो एक चैप्टर में आप एक घंटा सेट कर सकते हैं। तो ऐसे एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम सेट कीजिए, और ज़रूर एक डेडलाइन सेट कीजिए। अगर आपको कोई ऑफिस वर्क दिया गया और ऑफिस में कहा गया कि तुम इस काम को मुझे कल शाम को दो, लेकिन आप जानते हैं कि इस काम को करने में मुझे मैक्सिमम एक घंटा लगेगा, तो आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए। ऑफिस का डेडलाइन ठीक है, बट अपने लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए और उस डेडलाइन को सिर्फ एक घंटे ही रखिए। इससे आपका एफिशिएंसी ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर सकता है। अब अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा डेडलाइन दीजिए जो कि रिजनेबल हो, यानी कि जिस डेडलाइन में उस काम को आपके एम्प्लॉयज कर भी पाए, और ऐसा भी बहुत ज़्यादा समय भी उनको आप ना दें जिससे कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करें। तो इससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। मैंने एक नया पॉडकास्ट खोला है एरुडिशन हिंदी करके, आप चाहे तो मेरे पॉडकास्ट को भी चेक कर सकते हैं। अब उस पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये जो मैंने आपको कहा पार्किंसंस लॉ के ऊपर, यही सेम चीज़ मैंने अपलोड की है मेरे पॉडकास्ट में। अब ये मत सोचना कि मैं सेम चीज़ें, यानी कि यूट्यूब में जो वीडियोस है वहाँ पे वो सेम वीडियोस अपलोड करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी है वो बेटर है, और मैंने ऐसा नहीं किया है कि इस वीडियो से ही मैंने ऑडियो लेके वहाँ पे अपलोड कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसके लिए एक डिफरेंट रिकॉर्डिंग की है और उस ऑडियो को एडिट किया है, बहुत ही अच्छे से एडिट किया है ऑडासिटी में, और फिर अपलोड किया है। और उसके लिए मैंने सेपरेटली ऑडियो रिकॉर्ड किया है, इसी कारण से थोड़ा सा अच्छा है वीडियोस के ऑडियो से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी कारण से उतना अच्छा ऑडियो आउटपुट आपको शायद नहीं मिलेगा जितना अच्छा वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ज़रूर चेक कर सकते हैं। अब आज के लिए इतने ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी जल्दी जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब कैसा मैंने बोला ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, थोड़ा सा रैप टाइप का होगा, तो गुड बाय।